नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। संजय जी, आप क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुर्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये वीडियो देखी जिसमें संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं अडानी के नौकर यानी मोदी जी से डरता नहीं। वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डरपोक प्रधानमंत्री हो गए हैं कि उनकी कितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब अपनी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक चीज बताइए कि आप इतने डरपोक प्रधानमंत्री क्यों बन गए हो? आपकी तो साहब 56 इंच की छाती है ना। आपके अगर बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठता है तो आपके तापमान से वो गल जाता है ना। आपके बगल में जब राजनाथ सिंह बैठते हैं, आपके बगल में जब अमित शाह जी बैठते हैं, आपके बगल में जब स्मृति ईरानी जी बैठती हैं, आपके बगल में जब मध्य प्रदेश के शिवराज मामा बैठते हैं, वो लोग क्यों आपके तापमान से नहीं गलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक जवाब दीजिए कि आप विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग क्यों करते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप पूर्ण रूप से घबरा गए हो। 24 में आपकी सरकार न साहब डगमगा रही है, ठीक उसी प्रकार जैसे रावण का सिंहासन डगमगा गया था और उनका जो वर्चस्व था ना, रावण को भी अहंकार था कि हमको कोई मार नहीं सकता है, हमको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार आज प्रधानमंत्री जी का अहंकार बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, क्योंकि जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तथाकथित इशारों पर काम करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए कि संजय सिंह को गिरफ्तार आपने करवा दिया, आपकी ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल पे बैठ गई, घर को उथल पुथल कर डाला और कुछ नहीं मिला। साहब आप इतने लाचार हो गए मोदी जी, आप इतने कमजोर हो गए मोदी जी, आप इतना काहे घबरा गए हैं मोदी जी? हार का डर है ना साहब, हार का डर इतना घबरा देता है मोदी जी? हमको नहीं मालूम था। हम जानते हैं मोदी जी आप कमजोर हैं, हमको मालूम है मोदी जी आप तानाशाह हैं, लेकिन इतनी भी तानाशाही ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, हमने आपको चुना था, हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारे हकों अधिकार की बात करोगे। हमको नहीं मालूम था मोदी जी कि आप इतने तानाशाही निकलोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम थी वो आज कह रही है संजय सिंह शराब घोटाले में लिप्त है। संजय सिंह से मिला हूँ, ये तस्वीर देखिए, मैं संजय सिंह को जानता हूँ। संजय सिंह, जितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं मुझको मालूम है, आप अरविंद केजरीवाल के हाथ को काटना चाहते हो मोदी जी, हमको मालूम है। उन्होंने, उनका कसूर क्या है कि उन्होंने अडानी मुद्दे पर सवाल पूछा है? उनका कसूर क्या है कि वो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने का काम करते हैं? जो जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है उसे प्रधानमंत्री जी किसी न किसी आरोप में लुप्त करके सजा दिलवा देते हैं। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री पहले से भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, उन पर भी बेबुनियादी आपने आरोप लगा के जेल में डाल दिया है। जब भी उनको जमानत मिलनी होती है प्रधानमंत्री जी किसी न किसी रूप से उनकी जमानत मंजूर नहीं होने देते हैं। प्रधानमंत्री जी आपसे मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री जी आप इतने डरपोक काहे हो? आप इतना डरते क्यों हो विपक्ष से? आप इंडिया अलायंस को खत्म करना चाहते हो ना मोदी जी? आप गठबंधन को उखाड़ देना चाहते हो ना मोदी जी? आप चाहते हो कि हम तानाशाही करेंगे और लोग खामोश रहेंगे? नहीं, तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। हम किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। आप कितना भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, कितना भी किसी को बेगुनाह को जेल में डाल दो, हमने देखा है आपका दौर और हमने देखी है आपकी तानाशाही। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। प्रधानमंत्री जी, सदन के अंदर जब चुना हुआ सांसद, चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे राज्यसभा का सांसद हो या लोकसभा का सांसद हो, आपका मंत्री, आपके लोग कुछ भी बोल दें, उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई नहीं बैठती है। सीबीआई अगर बैठाना है ना मोदी जी, तो शिवराज के ऊपर बैठाइए।
अगर सीबीआई बैठाना है ना तो अपने मंत्रियों के ऊपर एक बार निष्पक्ष जांच करवा के देख लीजिए। और मैं कहता हूं, दावे के साथ में कहता हूं कि 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई अनुराग के हाथ में दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी भी अपने आरोपों में लिप्त होकर जेल के पीछे चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक चीज बताइए कि विपक्ष से आपको क्या दिक्कत है साहब? विपक्ष है साहब, विपक्ष का तो काम होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाए। मीडिया तो आपकी चाटुकारिता करती है, मीडिया आपकी दलाली करती है साहब, लेकिन आपको ईमानदारी रास नहीं आती। इतना तो हिटलर भी नहीं तपा था साहब, इतना अंग्रेज भी नहीं तपे थे साहब, इतना मुगल भी नहीं तपे थे साहब, इतना तो लोधियों ने भी नहीं लोगों पर अत्याचार किए थे जितना मोदी जी आप कर रहे हैं। आपकी मालूम है हमको हकीकत, हमें मालूम है कि 24 में आपकी जो दाल है ना वो गल नहीं रही है, जो आपका कुकर है ना वो सीटी नहीं दे रहा है, और आपकी जो चाल है ना वो फेल होती नजर आ रही है। इसलिए आप विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हो। सवाल का मतलब होता है जवाब देना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि हम अगर सवाल करेंगे तो इनको जेल में डाल देंगे। ये कहां का न्याय है? ये कहां का ये पाप है मोदी जी? ये उत्पीड़न है। और जब तक आपका घड़ा भर रहा है ना, धीरे 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 आपका घड़ा फूट जाएगा। पाप का जब घड़ा फूटता है ना तो बहुत कष्टदायी होता है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।